जयपुर शिफ्ट हो रहा था और वो मुझे ट्रेन से छोड़ने आ रहे थे, तो ही वॉज नॉट हैविंग 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा कि वो मुझे चने खरीद के दे सके. हमारा इतना क्राइसिस आया था, विच लाइक दे केप्ट मी अवे फ्रॉम दैट क्राइसिस. मेरे दोनों बड़े भाइयों ने, पापा ने ही झेला, मुझे तो हॉस्टल भेज दिया था कि मुझे ये पता ही नहीं चले कि घर में इतना फाइनेंशियल क्राइसिस है. तो फादर ने बहुत स्ट्रगल किया, तो वही स्ट्रगल या वही हार्डवर्क मेरे को मेरे फादर से एक तरीके से विरासत में मिला, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट कि मैं उनका बेटा हूँ. नमस्कार, मैं हूं आस्था भाटिया और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं फादर्स डे है, तो आज हम मौजूद हैं ऐसी एक शख्सियत के साथ, अखिलेश जी के साथ, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने जो ये अपना सफ़र शुरू किया था ये एनजीओ के साथ, ये आइडिया कैसे उन्हें क्लिक किया, या फिर इसके पीछे उनके पेरेंट्स का या उनके स्पेशली फादर का कितना बड़ा योगदान है या उनकी फैमिली का कितना बड़ा योगदान है. तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे क्या क्या रीजंस और कौन कौन सी सफलताओं में किस किस के हाथ ज़्यादा हैं. तो सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका जो एनजीओ आपने शुरू किया था, इसका आइडिया वाज इट जस्ट सडन या फिर आपको ऑलरेडी इट वाज प्री प्लान्ड? सो हाय, आई एम अखिलेश माहेश्वरी, आई एम रिप्रेजेंटिंग नया सवेरा एनजीओ. सो इट वाज ऑल सडन एक्चुअली. आई स्टिल रिमेंबर जब बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुआ था, और उससे पहले रंग दे बसंती मूवी आई थी, तो विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवी एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट मूवी. और जब उसमें वो जो फेमस, बहुत ही फेमस डायलॉग था कि हमें बदलना पड़े, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, उसको परफेक्ट बनाते हैं उसके देश के रहने वाले लोग. तो कहीं ना कहीं मैं उस मूवी से बहुत इंस्पायर्ड था. मैंने बहुत बार वो मूवी थिएटर में देखी, आज भी देखता हूँ. सो इट वॉज नॉट एक्चुअली ए प्लान, बट सडन था. बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, उसके बाद माई वाइफ, दैट टाइम शी वॉज माई फ्रेंड, तो शी वॉज मोर इन टू ऑल दिस. इसको हमेशा ये रहता था कि किसी को भी देखती हैं तो शी वॉन्ट्स टू हेल्प समवन. ऑल दो इनकार मेरा काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, शी बिलीव्स इन सडन सपोर्ट कि जो दिख गया उसको कुछ भी है जेब में निकाल के दे दो. आई लिटिल बिट यू नो डिफर विद दैट कि नहीं, ऐसे पैसा देने की बजाय इफ़ यू कैन यू नो उनका कुछ ऐसा अपन लोग कर सकें कि उनको एक परमानेंट सोल्यूशन मिल सके. सो ये सडन प्लान आया, हम लोगों ने वी स्टार्टेड वर्किंग एज वी स्टार्टेड वैन वी वर इन कॉलेज. तो हमेशा से हमारा टारगेट यूथ रहा कि हमें यूथ को इंगेज करना चाहिए सोशल सर्विस में. वी नेवर यूज टू टॉक अबाउट यू नो मॉरल लेक्चर्स टू द एनी यूथ, क्योंकि हमें लगता था कि वी आर नॉट दैट ग्रेट इनफ कि मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को या स्कूल स्टूडेंट्स को ज्ञान देने बैठ जाऊँगी, आप ये मत करो अपनी पर्सनल लाइफ में, वो मत करो. सो आई स्टार्टेड ए फंडा कॉल 2 आवर्स इन ए वीक. हम लोगों ने वॉलंटियर्स को बोला कि आप सिर्फ हमें अपने 2 आवर्स दीजिए वीक में, अपार्ट फ्रॉम दैट 2 आवर्स यू आर गोइंग टू द पार्टी, पब, डिस्को. आई रियली डोंट केयर एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू इंटरप्ट इन योर पर्सनल लाइफ. बस आप मुझे आके वीक में दो बार, एक बार आके 2 घंटे दे दीजिए, और उसमें हम जो भी बेस्ट सोसाइटी के लिए कर पाएँ. सो दिस इज़ हाउ द जर्नी स्टार्टेड 12 ईयर्स बैक. अब इन 12 सालों में बहुत कुछ हम लोग कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं. तो सर, आप मुझे ये बताइए, जैसे कि अब फादर्स डे है, तो आपके फादर का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहा? व्हाट डू यू थिंक, मतलब उनका कितना ज़्यादा सपोर्ट रहा है या फिर उनकी कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स में कह लूँ रही हैं? बिकॉज फादर या पेरेंट्स का होना अपनी ज़िंदगी में अपने आप पे बहुत बड़ी चीज़ होती है. सी, आई डेफिनेटली से कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरे फादर का, क्योंकि हमारी जो पर्सनल लाइफ थी बिफोर मैरिज, जो मेरे फादर के साथ मेरी लाइफ रही, बहुत उतार चढ़ाव वाली रही है. माई फादर सीन लॉट ऑफ क्राइसिस इन पर्सनल लाइफ, देन ही ग्रोन अप अगेन, एंड आज भी वो इस एज में भी हमसे ज़्यादा एक्टिव है. वी आर 3 ब्रदर्स, एंड अगर एक्टिव की बात किया जाए तो काम करने के मामले में वो हम तीनों से ज़्यादा एक्टिव हैं. एंड ही स्टिल ट्रेवल अलॉट विदाउट एनी यू नो पर्सनल व्हीकल एंड ऑल. वो आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करना प्रेफर करते, क्योंकि उनको लगता है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव और एक जने के लिए इतना एक्सपेंस नहीं करना चाहिए. हार्ड वर्किंग की बात करें तो आज भी वो इतना अप डाउन करते हैं, जयपुर टू मकराना, मकराना टू किशनगढ़, विच इज़ लाइक, मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे फादर हैं, बट मेरे कई सारे जो दोस्त थे वो मुझे आज भी बोलते कि यार अखिलेश, अब तो तुम तीनों बड़े भाई बड़े हो चुके हो, सेटल हो, तो अंकल जी अभी भी इतना क्यों, इतना मतलब भाग दौड़ करते. तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि दिस इज़ नॉट इन आर हैंड, वो उनकी उसमें है, नेचर में है. सो जो हार्ड वर्किंग है, जो पैशन है, वो मेरे को मेरे पिताजी से मिला है. कि और एक जो सबसे बड़ा मेरा स्ट्रेंथ, वो मेरे पिताजी इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई है कि गिव अप नहीं करना चाहिए. एज आई सेड इन स्टार्टिंग, हमने बहुत सारे लॉसेस देखे हैं, हमने बहुत अच्छा शुरुआत करी. एक टाइम था व्हेन मैंने प्यार किया जब रिलीज़ हुई थी, माय मदर वाज फॉन्ड ऑफ मूवीज़, तो हम एक छोटे से गांव में रहते थे, तो माय फादर यूज़ टू टेक मी एंड माय मदर टू अजमेर मूवी देखने के लिए लाते थे. उस टाइम में यू मस्ट हैव सीन कि सलमान खान एक सैक्सोफोन बजाता है, तो वो उस टाइम में, आज ऑलमोस्ट 25 साल हो गए, आई बॉट दैट सैक्सोफोन इन 1000 रुपीज़ और मैंने 1 घंटे में तोड़ दिया.
बट माई फादर डिन रिएक्टेड, उनको लगा कोई बात नहीं बच्चा है. एंड देन देर वॉज अ सिचुएशन इन 2002 and 2003 जब मैं पहली बार जयपुर शिफ्ट हो रहा था और वो मुझे ट्रेन से छोड़ने आ रहे थे, तो ही वॉज नॉट हैविंग 5 rupees एक्स्ट्रा कि वो मुझे चने खरीद के दे सके. हमारा इतना क्राइसिस आया था विच लाइक दे केप्ट मी अवे फ्रॉम दैट क्राइसिस. मेरे दोनों बड़े भाइयों ने, पापा ने ही झेला, मुझे तो हॉस्टल भेज दिया ताकि मुझे ये पता ही नहीं चले कि घर में इतना फाइनेंशियल क्राइसिस है. तो फादर ने बहुत स्ट्रगल किया, तो वही स्ट्रगल या वही हार्डवर्क मेरे को मेरे फादर से एक तरीके से विरासत में मिला. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट कि मैं उनका बेटा हूँ. ओके, तो अब हम जिससे आपकी डॉटर आपके साथ बैठी है, तो अगर हम इनसे बात करें तो सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए. माय नेम इज सृष्टि माहेश्वरी. ओके, तो सृष्टि आप मुझे ये बताओ कि आप अभी ज़्यादा बड़े तो नहीं हो, पर आपको क्या लगता है कि आपके पापा जो काम कर रहे हैं और मतलब एक नोबल कॉज हम कह सकते हैं वो ये है, तो आपको क्या लगता है कि आपको भी इस आप इस चीज़ में उनकी कैसे मदद कर पा रहे हैं? मतलब आप उनके साथ कहीं ट्रैवल करते हैं, जब वो जाते हैं ऐसे कामों में आप जाते हैं या आप देखते हैं, या आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? मैं जब कभी कभार पापा के साथ जाती हूँ, मैं भी देखती हूँ कभी कभार. अच्छा, कभी कभार जाते हैं. और आप बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो? मैं पापा के जैसे बनना चाहती हूँ. अच्छा, तो आपको भी जो पापा कर रहे हैं वो चीज़ फॉलो करनी है? हाँ. ओके, तो मैम आप बताइए मुझे कि आप भी किसी की डॉटर हैं, आपके भी फादर होंगे, तो आपको क्या लगता है आपके फादर ने जितनी भी स्ट्रगल की होगी, जहाँ पे आप आज हैं, आई एम श्योर आप उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं मानते होंगे कि हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि उनका जो स्ट्रगल है, इज़ इट बेनिफिशियल, वो कामयाबी मतलब उनका कामयाब रहा कि आप यहाँ पर पहुँच पाए, या फिर इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योरसेल्फ? नहीं, मेरे पापा का मेरे साथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट, मतलब अटैचमेंट था. लाइक 4 years before वो पास आउट हो चुके हैं. लाइक उनको किडनी का डिजीज़ था. मेरा एक एम था कि मैं भी कुछ किडनी पेशेंट्स के लिए करूं, तो मैं इनको यही बोलती थी, लेकिन किडनी पेशेंट्स के लिए नहीं कर सके, लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ, लाइक हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो उनके लिए मेरे को लगता है कुछ ना कुछ करना चाहिए. लाइक अभी लाइक कोविड में भी काफ़ी कुछ कई लोगों को हुआ, तो मेरे को मतलब सुनते ही ऐसे लगता है नहीं कुछ करना है, अभी इसको कुछ पहुँचाओ. ये थोड़ा ढीले हो जाते तो मैं इनको पुश अप करती रहती हूँ, नहीं तुम जाओ उसको देख के आओ, उसको ज़रूरत होगी या कुछ होगा. तो वो शुरू से है. मेरे पापा को भी बहुत था कि हम लोग किसी ना किसी का मतलब कुछ करते रहें, मतलब जो भी वो दिखते थे वो उनके पॉकेट में नहीं होता था, फिर भी वो मदद के लिए आगे रहते थे. तो मेरा ये मतलब बचपन से ही मैंने देखा है. मेरे दादा दादी भी ऐसे ही थे, वो कोई भी उनके घर पर खाना खाने के लिए आता था, लाइक वो खुद खाए बिना रह जाते थे, उनका जो फूड बना हुआ होता था वो पहले उनको सर्व कर देते थे. वो सोचते थे बाद में का पता नहीं, लेकिन अभी जो अपने द्वार पे आ गया ना उसको खिला के ही भेजना है. तो वो चीज़ बचपन से मेरे अंदर थी. तो फिर हम साथ में दोनों जने जुड़े और फिर मेरे अंदर धीरे धीरे और भी ज़्यादा होते गया करते गए, तो इसीलिए मेरा एक ये ट्रैक ही बन गया कि हम लोग इसे सेक्टर में काम करते चले हैं. बाकी तो पापा के विशेष तो है ही हैं हमारे साथ में. तो हम कह सकते हैं कि ये जो फादर्स डे है, तो आप ये जो काम मतलब चीज़ें कर रहे हैं और जिस कामयाबी पे पहुँचे हैं, तो इज़ इट अ ब्लेसिंग ऑफ योर फादर? हाँ, ये तो पूरा है, श्योर है. मेरे पापा का जो एम था मैं वही पूरा करना चाहती हूँ. आगे भी काफ़ी सारी मेरे मन में चलती है, वो भी अभी भी नहीं मतलब पूरी हुई है, लेकिन हो सकता है वो कभी ना कभी तो पूरी होगी. जो एक जिस डिजीज़ के कारण वो गए हैं, मैं चाहती हूँ उस फील्ड में कुछ करना चाहती हूँ मैं. तो सर आप बताइए, जैसे कि इन्होंने बोला कि ये कुछ उस फील्ड में भी करना चाहती हैं, बेसिकली किडनी की फील्ड में, तो आर यू गाइस प्लानिंग समथिंग रिलेटेड टू दैट? क्योंकि उनके फादर का ये ड्रीम था और उनको लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट वो अपने फादर को आई गेस नहीं दे सकते हैं, कि उनके ना होते हुए भी उनकी चीज़ को फुलफिल करना इज समथिंग रियली बिग. तो आर यू गाइस प्लानिंग समथिंग रिलेटेड टू इट? एक्चुअली लाइक आई जस्ट एड ऑन समथिंग शी एडेड. लाइक ही वॉज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड. हिज फादर वॉज लाइक ही वॉज द वन जो हमेशा मेरी फिक्र करते थे. ही यूज टू फाइट विथ हर कि तू कंवर साहब को ये मत बोल, तू कंवर साहब से ऐसे मत कर. सो आई डेफिनेटली वुड लव टू डू. एंड सी आई नॉट कमिट समथिंग विच यू नो कि हम मतलब किडनी से रिलेटेड कुछ करें. मतलब ऐसा नहीं है, किडनी के पेशेंट्स भी हमारे पास बहुत सारे आए जब हम हॉस्पिटल जाने लगे उनके ट्रीटमेंट के लिए. 3-4 साल तक ट्रीटमेंट चला था, वीक में 3 बार हॉस्पिटल उनको जाना पड़ता था डायलिसिस के लिए. तो कभी ये जाती थी, कभी मैं जाता था, कभी मेरा ब्रदर इन लॉ जाता था. सो हम लोग वहाँ भी कोई हमें ऐसी फैमिलीज मिलती थी कि जो कि मतलब कैपेबल नहीं है, तो हम उनकी हेल्प करने की कोशिश करते थे. आज भी आई एम नॉट सेइंग ओनली फॉर द किडनी पेशेंट, बट आज भी हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है किसी भी डिजीज़ को लेके, तो कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे मन में दोनों के है कि हम उस रिक्वेस्ट को जनरली डिनाई नहीं करते. बाकी कई सारी रिक्वेस्ट माइट भी
ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन हम डिनाई कर देते हैं, बट जब भी कभी कोई डिजीज से रिलेटेड आता है और कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि किसी के फादर के लिए ट्रीटमेंट का मदद चाहिए, तो मैक्सिमम केसेस में या 99% केसेस में हम चाहे छोटा मदद करें या बड़ी मदद करें या पूरी मदद करें, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि शी लॉस्ट हर फादर बिकॉज ऑफ वन डिजीज. सो हमारे मन में दोनों के ही रहता है कि हाँ यार, कोई भी बच्चा या कोई भी, जैसे एक केस था, एक लड़की थी मथुरा से, शी यूज टू फाइट फॉर होम फादर, उनको भी किडनी का प्रॉब्लम था, तो हमने मथुरा से उनको जयपुर बुलवाया, उनका डायलिसिस का लिए जो फिस्टूला बनता है वो बनवाया, और वो बच्ची आज भी मुझे, नाउ अनफॉर्चुनेटली उनके फादर भी नहीं रहे, बट स्टिल शी कॉल्स मी वेरी ऑफन, भैया आप गोकुल आओ, आप दोनों तो भैया बाबे, आप दोनों तो कृष्ण भक्त हो, वी आर बेसिकली गोविंद देव जी के भक्त है, जयपुर राइट्स हैं तो, और हमारी मतलब शादी में हम कहीं ना कहीं उनका रोल मानते हैं, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम मेरे फादर इन लोगों ने उसी मंदिर में ही देख के अप्रूव किया था. सो हम दोनों कृष्ण भक्त हैं, हम वृंदावन वगैरह जाते रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 2 सालों से कोविड की वजह से नहीं गए हैं. सो वो बच्ची आज भी मेरे टच में है, वो बोलती है भैया आओ, गोकुल मेरा घर है, आपका घर है, आपको आना है, रहना है. सो ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे अभी एक लेडी है, शी इज़ फाइटिंग फॉर हर हस्बैंड, वो घर बिक गया, उनका सब कुछ बिक गया, उनको मीडिया में भी कवरेज आया था, बट वो एक्चुअली होता है क्या, कवरेज आके रह जाता है, बट अब हमने जैसे एक कंपनी के हेल्प से उनको मंथली पेंशन जैसा 1000 रुपीज़ मेडिसिन का करवा रखा है उनको, प्लस हम लोग उनको राशन वगैरह देते हैं. और अभी एक और लेटेस्ट केस आया, एक फादर है, उसकी बच्ची है, उनको 15 लाख का कुछ इलाज का है, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब उनको इतना सपोर्ट मिला नहीं गवर्नमेंट से या बड़े बड़े ट्रस्ट से भी, जो बहुत वेरी वेल नोन है. अब वो मुझे बोल रहे हैं बार बार, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ड्यू टू कोविड हम लोग भी बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली डोनेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट गवर्नमेंट फंडेड, तो हमारा खुद का भी शेल्टर होम रन हो रहा है, जहाँ हमें 24/7 25 बच्चों का लुक आफ्टर करना होता है, और अभी हमारी नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, क्योंकि वी आर पेइंग करंटली 45,000 रुपीज़ रेंट, विच इज़ टू मच इन यू नो. तो हमने, किसी ने हमारे लास्ट ईयर कोविड काम से खुश होकर हमें एक लैंड परचेज करके दिए, तो हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. सो उन फादर को भी मैंने यही बोला, मैंने कहा सर आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत बड़ा नहीं कर पाऊँ, बट डेफिनेटली बीइंग एन फादर ऑफ ए गर्ल चाइल्ड माई सेल्फ, मैं कुछ ना कुछ डेफिनेटली करूँगा, और मेरे सर्किल से, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे आपके लिए जो भी मदद करवा पाऊँगा वो डेफिनेटली करूँगा. तो ये डिजीज़ वाला केस ऐसा है कि हम जनरली इमोशनल होकर दोनों कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं और हम उनकी मदद करते हैं. तो सृष्टि, अब आप मुझे ये बताओ, ये तो सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, फादर्स डे है तो आपने क्या सोचा है, क्योंकि बेटियां यूजुअली कुछ ना कुछ सोचती हैं फादर्स के लिए, तो आपने क्या सोचा है, क्या गिफ्ट आप अपने पापा को दोगे, या फिर क्या कुछ सरप्राइज प्लान करोगे, या ऐसा क्या करोगे जो उन्हें बहुत अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है कुछ बहुत बड़ा हो, जो आपने सोचा है वो बता सकते हो. मैं और मेरा भाई कार्ड भी बनाते हैं और डेकोरेशन भी करते हैं उनकी, और केक भी बनाते हैं. अरे वाह, आपको केक बनाना आता है? हाँ, छोटा सा. ओके, सो अब आप मुझे ये बताओ सर, इसने तो बता दिया कि ये चीज़ कर रही है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं कहूँगी मैं, पर इनकी एज के मुकाबले बहुत बड़ी चीज़ है, और एक फादर के लिए अगर बेटी एक छोटा सा पेन भी दे दे तो वो बहुत बड़ी बात होती है. तो व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी इतनी इस एज में भी इतनी समझदार हैं, व्हाट डू यू थिंक आगे जाके ये, मतलब डेफिनेटली आई एम सो श्योर कि ये कुछ बहुत अच्छा करेंगी और आपको बहुत प्राउड फील कराएंगी, बट अभी के अगर हम बात करें सिनारियो की, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपको क्या लगता है, मतलब इनके जेस्चर्स कितना ज़्यादा आपको अच्छा फील करा पाते हैं? बेसिकली वो होता है ना, बेटियाँ हमेशा फादर के बहुत क्लोज होती हैं, सो शी इज़ हैविंग लाइक दैट फीलिंग्स इन हर हार्ट. मतलब ये आजकल अब जैसे जैसे ग्रोन अप हो रही है, शी स्टार्टेड प्लानिंग, जैसे भी हमारे बर्थडेज थे, एनिवर्सरीज थे, तो एक रूम को बंद करके अंदर से डेकोरेट करना, इन हर कैपेसिटी जितना वो कर सकती हैं विदाउट टेकिंग आर हेल्प. दोनों भाई बहन झगड़ते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, मतलब दिस टाइम फर्स्ट टाइम व्हेन शी डिड इट केम रियली फैंटेस्टिक. जब मेरा बर्थडे था अप्रैल में, शी डिड रियली मार्वेलस, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड वन थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम कि ये मोबाइल का यूज़ थोड़ा कम कर दे, दैट विल बी द बेस्ट फादर्स डे गिफ्ट जो हर फादर की और मदर की आज के टाइम पे पोस्ट कोविड जो बच्चों का मोबाइल या मतलब स्क्रीन का जो यूज़ बढ़ा है, इफ दे डू दो दैट विल बी बेस्ट फादर्स डे गिफ्ट टू मी. बट जोक्स अपार्ट, दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड आई जस्ट विश कि दे बिकम गुड ह्यूमन बींग. आई डोंट वॉन्ट टू जज दैम, आई डोंट वॉन्ट टू फोर्स दैम टू जॉइन अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी, ऐसा नहीं है. ये वही करें जो इनको पसंद हो इनकी लाइफ में, और ये वही बने जो ये बनना चाहते हैं. इन पर कोई मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा कि पापा का एनजीओ है तो इनको ज्वाइन करना है, बट मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि कुछ भी करें अपनी लाइफ में, लेकिन जो सोशल वर्क है,
वाइल डूइंग और अचीविंग देयर ड्रीम्स उस सोशल कोर्स को ये कंटिन्यू करें, चाहे वो अपने फादर की ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करें या किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो इनको अच्छी लगे फ्यूचर में, जब ये समझदार हो कोई भी कॉज इनको पसंद आए, जरूरी नहीं कि मेरा कॉज इनको अच्छा लगे, बट ये अपनी लाइफ में उस वैल्यू को लेके बड़े हों जो इन्होंने अपने घर में देखी है टू हेल्पिंग अदर्स। जरूरी नहीं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर किसी की हेल्प करें, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी अगर किसी की हेल्प कर पाएं, ये अगर उस नेचर को ऑब्जर्व कर लेते हैं और लर्न कर लेते हैं दोनों, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा एवरी पेरेंट्स और हर फादर के लिए या हर माँ बाप के लिए, कि अगर उनके बच्चे गिविंग बैक के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। सो दैट इज़ वॉट आई होल होप फ्रॉम दैम एंड आई एम श्योर कि दे विल डू समथिंग ऑन दिस फादर्स डे ऑल्सो।